हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। चलिए थोड़ा सा हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक वेरिएबल ए नाम से बना लिया हमने, ठीक है, और ए इज इक्वल टू, अब यहां पर वो प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहा हूं, जैसे उस फंक्शन का नाम है सी एच आर, ठीक है। अब सी एच आर लिखने से क्या होगा ये अभी आपको मालूम चलेगा। यहां पर ब्रैकेट को ओपन किया और यहां पे मैं लिखता हूं 97 का, अगर आपने ASCII पढ़ा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जिसे बोलते हैं, अगर आपने ASCII पढ़ा है तो आपको यह पता होगा कि 97 लिखने से यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको बंद कर देता हूं और यहां पे आकर के प्रिंट करवाता हूं किसको, ए को, ठीक है, क्योंकि ए ही तो हमने वेरिएबल का नाम दिया है, तो ए को प्रिंट करवाते हैं। तो यहां पर एक बार रन करवाते वक्त इसको सेव कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहां से सेव करता हूं मैं ASCII के नाम से .py लगा देंगे और यहां पे एंटर कर देंगे और यहां पर इस तरीके से ये सेव हो जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं स्मॉल ए प्रिंट हो रहा है। चलिए यहां पर कुछ चेंजेस करते हैं, यहां पर 97 के बजाय यहां पे कर देते हैं 98, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पे 98 किया, अब देखिए आप यहां पे क्या प्रिंट हो रहा है। यहां पर आएंगे तो यहां पे स्मॉल बी आएगा, देख सकते हैं। तो ये ASCII कोड हमें प्रिंट करके देगा, सी एच आर जो है ये हमें ASCII कोड प्रिंट करके देगा। यहाँ पे 75 लिखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये 75 है, तो लगता है कि इसमें कैरेक्टर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये के लिखा हुआ आ रहा है, कैपिटल के, अभी तक स्मॉल आ रहा था, अब ये कैपिटल आ रहा है। तो ये ASCII कोड हमें प्रिंट करके देता है, सी एच आर फंक्शन जो है ये हमें ASCII कोड प्रिंट करके देता है। जैसे 75 को हटाया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूं 105, तो 105 पे क्या आएगा। तो यहां पर इसको सेव करके और फिर यहां से इसको रन करवा लेता हूं एक बार, तो फिर पता चलता है कि 105 पे स्मॉल आई आएगा, क्लियर है ना। सी एच आर किस तरह का फंक्शन है, किस तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में, ओके।